कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां जारी। हिस्स बाजार के 100 इंडेक्स में 150 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। सी पैक के तहत ऑयल एंड गैस पाइपलाइन मंसूबा शुरू करने का फैसला। तवानाई जरूरियात को पूरा करने के लिए तवानाई मंसूबा पहले ही चाइना पाक इक्तिसादी राहदारी में शामिल है। रवा माली साल 2017-18 के दौरान कार की फरोख्त में 21% से जायद का इजाफा। जुलाई तक नवंबर में फरोख्त का हजम 87,273 यूनिट तक बढ़ गया। केमिकल्स की पैदावार में मजमूई तौर पर 18% से जायद का इजाफा। पैदावारी हजम 7,85,000 टन तक बढ़ गया। CBS के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान केमिकल्स की सबसे ज्यादा पैदावार माली साल 2016 में हासिल की गई। सर्दी की शिदत में इजाफा होते ही पंजाब में LPG की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 120 जबकि कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए महंगा हो गया। लंदन में बिजली से चलने वाली टैक्सियां मुतारिफ करवा दी गईं। एल्युमिनियम बॉडी टैक्सीज वाईफाई और USB से चार्जिंग की सहूलत भी फराहम करती हैं। कंपनी एलामी के मुताबिक मंसूबे से मुल्क में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। और अमेरिका समेत आलमी स्टॉक में तेजी। अमेरिकी डॉ जॉन्स इंडेक्स में 56 पॉइंट्स का इजाफा। नैसडैक 35 पॉइंट्स इजाफे से 6,875 पर बंद हुआ। बरतानवी FTSE 59 पॉइंट्स इजाफे से 7,453 की सतह पर आ गई। एशिया बाजार में कारोबार जारी। अस्सलामुअलैकुम। बिजनेस बुलेटिन में कारोबार से जुड़ी अहम खबरों के साथ मैं हूं नायला असगर और मैं हूं हमाद खान। हेडलाइन आप जानी, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।